और हर एक डिपार्टमेंट रोल अलग अलग होगा, एक दिन मेकअप डिपार्टमेंट, एक दिन आर्ट डिपार्टमेंट, एक दिन ड्राइवर डिपार्टमेंट, सब लोग। तो ये जो 2009 से 3000 का जो हमारा जर्नी है उसके अंदर हम लोग जबरदस्त एपिसोड बनाएंगे और एकदम मजा मस्ती करेंगे, फॉरेन जाएंगे, घूमेंगे, पटेल का शादी कराएंगे, दया भाभी को इन्वाइट करेंगे। सबसे पहले प्रणाम भगवान को, ईश्वर को और हमारे दर्शकों को। भगवान के आशीर्वाद है और दर्शकों का प्यार है, बस ये दोनों हमारे साथ है, तो इसीलिए ये नामुमकिन मुमकिन हो गया है। एक ही टीम के साथ सारे लोग रोज हम लोग मिलजुल कर आपको भी हंसा रहे और हम लोग भी एंजॉय करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ऐसे ही चलता रहे, ऐसी आपकी दुआएं हमको चाहिए और भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इंटरेस्टिंग तो रोज ही आपको देखने मिलता है। अभी अजय भाई, अजय देवगन और काजोल जी आ रहे हैं। जो अभी पहले बोला वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको? और इंटरेस्टिंग क्या? और इंटरेस्टिंग तो नहीं नहीं, रोज तारक मेहता की, उल्टा चश्मा की जो हर स्टोरी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और एक ऐसा एक प्रयास करते हैं कि रोज कुछ नया हम लोग दर्शकों को दे सके। अभी अजय देवगन जी और काजोल का एपिसोड देखेंगे ताना जी के अंदर, फिर वरुण धवन आ रहे हैं स्ट्रीट डांसर के साथ और बहुत सारी एक आगे एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, एक चमत्कारी अंगूठी। तो रोज़ रोज़ नई नई स्टोरी है और मुझे मालूम है कि पोपटलाल की शादी के बारे में बहुत इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है, मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ, आप भी लड़की ढूंढिए, जब वो लड़की मिल जाएगी हम लोग उनका शादी अवश्य कराएंगे। और दया भाभी अहमदाबाद की गलियों में खो गए हैं, हमारा उनको ढूंढने का प्रयास चालू है, वो भी जल्द आ जाएंगे क्योंकि जेठालाल चंपकलाल गढ़ा का जो फैमिली है, हम भी महसूस करते हैं कि दया भाभी की हमको भी कमी कभी थोड़ी खलती है, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे ये मैं आपको एकदम वादा करता हूँ। और ऐसे ही 3000 एपिसोड जल्द हो जाए और ऊपर वाले का आशीर्वाद बरकरार रहे, वो ही आपको से दुआ करता हूँ। नहीं, इधर तो रोज नया नया मेमोरी है, इधर का तो अब क्या बात, रोज नया नया घटना होता है। ऐसे हमारे से कोई एक बताइए। बोलो। आपने सवाल पहली बार पूछा, किसी ने पहली बार पूछा तो अभी आप है। नहीं नहीं, बहुत सारी घटनाएं, जब अक्सर जब ऐसा कुछ मुकाम हासिल होता है ना तो पहला एपिसोड में याद करता हूँ, जब हम लोग सब नए थे, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा प्यार मिलेगा। देखो, सफलता मिलती है लेकिन दर्शकों का प्यार मिलना वो सबसे बड़ी बात होती है। तो ये दर्शकों का जो प्यार मिला है, जो करोड़ों रुपया देके भी नहीं मिलता है, तो वो एक सबसे बड़ी ये मेरे लिए यादगार चीज़ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ। और बाकी तो रोज़ हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं, रोज़ किसी ना किसी का बर्थडे होता है, शादियाँ होती रहती है, सबके घर में बच्चे आते रहते हैं। रोज किसी ना किसी का बर्थडे होता है। थैंक यू। निकल गए केक काट काट के, केक काट काट के कंटल गए हम लोग, केक वाला करोड़पति हो गया। नहीं नहीं, ऐसा ही सब। बस व्यूअर का प्यार हमारे पर रहे, आशीर्वाद रहे और हम सारी टीम यूं ही साथ में काम करते रहे, वही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। सब अपने तन मन से तंदुरुस्त रहे और जो फैमिली कॉमेडी है, हम कभी भी वो सब लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार में दादाजी पोते के साथ और सब मिलके मिलते जुलते रहे, वही हमारे राइटर को भी प्रेरणा देते रहे, हमारे डायरेक्टर भी
हार्डली कोई टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा डायरेक्टर होगा कि जिन्होंने इतने एपिसोड किए होंगे. तो हमारे अरशद भाई, मालो भाई, पूरी प्रोडक्शन टीम, मेरे स्पॉट बॉय, लाइटमैन और सारे लोग. अभी इस सुनहरे मौके पर शैलेश जी का आप कुछ सुनिए और कुछ शायरी सुनाएंगे. थैंक यू. सुनिए आइए शैलेश जी. कवि जी, शैलेश जी कुछ तड़कता पड़कता कुछ रंग बांटेंगे. नहीं नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. आप लोगों का जो साथ प्यार जो है जनता का, ऐसे ही हम लोगों को बना रहे. और बस ये 29 तो एक छोटा सा अंक मात्र है, और क्या है, अभी तो इसके आगे बहुत सारे शून्य लगने. कविता, ये सब तो बोल चुके हैं आपको, इधर कविता बोलने के लिए बुलाया. देखिए सिर्फ एक पंक्ति बोलूंगा कि न महत्वपूर्ण 2800 है, न 2900 है, न 3000 है, महत्वपूर्ण सिर्फ जनता का प्यार. शीघ्र कवि, शीघ्र कवि है. वही बोला. इनका कभी कभी थैंक यू. मैं भी आ रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ. मैं भी हो बस काम करेंगे, इसकी खत्म होते सीन करेंगे. पिछले 12 साल से आसिफ भाई ने हमको कर्म योगी बना दिया है. हमको काम के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है, ना कुछ दिखता है. सुबह उठते ही थैला लेके निकल पड़ते हैं शूटिंग पे, आते पूरा दिन 12 घंटा शूटिंग करते, वापस घर जाते. सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है. तमाम होती है. नहीं, बहुत ही खुशी है. दर्शकों का बहुत बहुत हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है. लगातार ये 12वां साल चल रहा है, बहुत बहुत बड़ी बात है. मतलब ये वाकई में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पे, कि जहाँ शोज़ कोई शोज़ 2 महीना 3